मैंने इसको बहुत पानी पिलाने की कोशिश की, सब कुछ ट्राई किया, पर ये उठ नहीं रहा। उठ जा यार। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज फिर से मैं सुबह सुबह निकल गया हूँ। तो आज मैं सुबह सुबह जा रहा हूँ कॉलेज, और आज है टीचर्स डे, तो हैप्पी टीचर्स डे एवरीवन। तो मेरे को थोड़ा सा काम है, इसलिए मैं आज सवेरे 10 बज रहे, अभी 10 बजे मैं निकल गया हूँ। कि आप हमेशा देखते हो, यही है मेरा अपना आम रास्ता। इस बछड़े को पता नहीं किसी गाड़ी ने ठोक दिया, क्या किया, ये यहाँ पे सड़क पे पड़ा है, उठ भी नहीं पा रहा। ऐसा मत किया करो यार, ये देख के ना अच्छा नहीं लगता बिल्कुल। एक भाई आए थे उन्होंने, और मैंने इसको खिसका के सड़क के किनारे तो कर दिया है, पर पता नहीं है कितनी देर बचेगा। पर यार इंसानियत रखो, अगर कभी गाड़ी से ऐसे हो भी जाए तो प्लीज़ हेल्प करो। मैंने इसको बहुत पानी पिलाने की कोशिश की, सब कुछ ट्राई किया, पर ये उठ नहीं रहा। उठ जा यार, उठ, खड़ा तो हो जाए एक बार यार बस। दुनिया बड़ी जालिम है, मैंने कोशिश तो की पर मैं उठा नहीं पाया उसको। भाई मैं अकेले क्या करूं, पर बात ये है कि अगर किसी गाड़ी ने इसको ठोका है या फिर किसी ने भी कुछ ऐसा किया है, तो कम से कम या तो उसको पूरा डेड कर दो, पर ऐसे मत छोड़ो यार बीच में। मैं जब अभी इसको पानी पिला रहा था ना भाई, बहुत गाड़ियाँ रुकी नहीं, मतलब बहुत गाड़ियाँ गुजरी, पर किसी ने रुके ही नहीं, बोला कि यार पानी पिलाने के लिए बॉटल दे दे या कुछ गिलास दे दे। शेम मैन, शेम। तुम हिमाचल में गाय बैल पालते हो ना, तो मत पालो फिर, इस तरीके से मत पालो कि सड़कों पर छोड़ दो मारने के लिए यार। दैट्स सो शेमफुल, मतलब पूरा मूड ख़राब हो गया दिन भर का। एक अकेला बंदा यार, मतलब कोई नहीं रुका, सिर्फ एक उस्ताद रुका जिसने खींच के इसको साइड में करने के लिए मदद करी, बाकी कुछ भी नहीं। दैट्स सो शेमफुल।
आया तो किसी और काम के लिए था, पर टीचर्स डे में मेरे को भी टीचर बना दिया, कुछ ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल गई। अब फिलहाल मुझे घर जाना पड़ेगा क्योंकि मेरा काम तो हो गया पर कुछ इमरजेंसी आ गई। पर कॉलेज का फंक्शन बहुत सही था भाई, अच्छा लगता है खुद को भी टीचर बन के थोड़ी देर के लिए। चलो मिलता हूँ मैं आगे, सीधे मेरे को हॉस्पिटल जाना पड़ेगा शायद। गाइस अभी मैं हूँ अपनी भांजी के साथ। तो अभी मैं घर के लिए जा रहा हूँ और काफ़ी तेज़ी से जाना पड़ रहा है क्योंकि मौसम हो गया है ख़राब, कुछ जगह धूप लग रही है कुछ जगह बारिश हो रही है, तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा घर। और आज का ब्लॉग ना इतना कुछ लंबा नहीं बनाया क्योंकि इमरजेंसी आ गई है, तबीयत थोड़ी ख़राब है मॉम की, तो अब फटाफट से घर जाते हैं, देखते हैं क्या सिचुएशन है। बाकी आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय, सब्सक्राइब कर देना। See you. ठीक है, bye.